गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग सबको स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज बाहर सब कुछ बंद है, लेकिन हम लोग का भेस्टिज का लर्निंग प्रोसेस अभी भी चालू है। तो आज हम लोग का बीच में हम लोग सुमन भंडारी मैम को बुला के ले आए हैं। हम लोग का जो आयुषंतिका प्रोडक्ट है, आयुषंतिका प्रोडक्ट के ऊपर आज डिस्कस करेगा सारा चीज। थोड़ा देर बाद में आप सुमन मैडम का आवाज सुनेगा। तो सुमन मैडम, मेरे को सुन रहा है? हाँ मैम, अब हो गए अनम्यूट। ठीक है। और कोई स्किन को मतलब आर्ट कर रहा है, प्लीज मत करिए ना। और बहुत अच्छा से आज डिस्कस करने जा रहा है हम लोग के बीच में। सुमन मैडम को बुला के लाया हूँ। सुमन मैडम का इतना गिनती समय हम लोग के लिए दिया है, तो प्लीज मतलब आप लोग अच्छा से सुनिए। सुमन मैडम आयुषंतिका एक एक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस करेगा। इसके बाद सुमन मैडम का आवाज सुनेगा। आप लोग जहाँ पे है उधर से मतलब एक मतलब क्लैप करके सुमन मैडम को स्वागत करिए। प्लीज सुमन मैडम, अभी माइक खाने भर कर रहा हूँ आपको, तो सब कुछ एक ताली बजा के उसको स्वागत करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जैसे कि एवरी फ्राइडे हम निर्वाणा ग्रुप में ट्रेनिंग करते हैं, राइट? हमने बहुत सारी कैटेगरीज ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, एंड आज जो कैटेगरी हम कवर करेंगे बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है, और वो है आयुर्वेदा, है ना? आयुर्वेदा मतलब है लाइफ साइंस या फिर लाइफ और नॉलेज। जैसे देखिए, जैसे बोलते हैं ना, पांच तत्व, है ना, हमारे शरीर में पांच तत्व होते हैं या दुनिया में पांच तत्व होते हैं। जो पांच तत्व क्या क्या है, क्या आप मुझे बता सकेंगे? आप मुझे मैसेज कर सकते, क्या आप वो पांच तत्व के नाम बता सकेंगे? वो पांच तत्व क्या क्या है? हम हमेशा बात करते हैं आयुर्वेदा में पांच तत्व के बारे में, क्या आप मुझे बोल सकेंगे पांच तत्व क्या क्या है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। वो है आपका स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, है ना? जब ये पांच तत्व अगर बैलेंस्ड है तो फिर ठीक है। मान लीजिए अगर कभी बहुत ज्यादा बारिश आ गया तो बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। अगर आग छोटी के बदले बड़ी आग लग गई तो वो भी आपकी बहुत ज्यादा विनाश कर देती है, राइट? सो ये तत्वों को क्या करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आयुर्वेदा में भी ये पांच तत्व हैं, जो वात पित्त कफा यानी कि तीन दोसा से बना हुआ है। वता यानी कि आपकी एनर्जी है एसोसिएटेड विद मूवमेंट्स, ठीक है? और वता में क्या आता है, स्पेस एंड एयर। स्पेस एंड एयर का मतलब क्या है, मूवमेंट। हवा क्या, हम हवा से हमें क्या पता चलता है, क्या सीख मिलती है, मूवमेंट की, है ना? सो वता यानी कि आपके मूवमेंट जो कंपोज करती है आपके स्पेस एंड एयर से, जो हमारी ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग, मसल्स, टिश्यू मूवमेंट, है ना, पल्सेशन ऑफ द हार्ट, सारी मूवमेंट जो हमारे बॉडी में होती है उसको कंट्रोल करता है क्या, वता। वता प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, है ना? सो आउट ऑफ बैलेंस वता प्रोड्यूसेस फियर एंड एंजाइटी। हमें जो डर और एंजाइटी का फीलिंग आता है वो आपकी प्रोड्यूस होती है, राइट? कौन कहां से, वता से। सो ये वता क्या कंपोज्ड है, इसमें स्पेस एंड एयर जो मूवमेंट से एसोसिएटेड है। सो हमारे शरीर में ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग, मसल एंड टिश्यू मूवमेंट, पल्सेशन ऑफ द हार्ट, ये सब कुछ होता है वता से। अगर हम पिता की एक बात करें तो ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिक सिस्टम को एक्सप्रेस करती है। ये आपकी मेड अप ऑफ फायर एंड वाटर, दोनों आग और पानी से बना हुआ है पित्त, ठीक है? तो देखिए ये हमारे शरीर में क्या गवर्न करती है, क्या बैलेंस करने में मदद करती है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन, एसिमिलेशन, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म। तो देखिए फायर और एयर ये सारे चीजों को हमारे बॉडी में कंट्रोल करने में मदद करती है, है ना? जैसे कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, आग गर्म होता है तो वो आग हुई कि नहीं, है ना? आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन, वो भी तो एक तरीके का मैकेनिज्म हो रहा है, उसमें भी तो गर्मी होती है, राइट? वाटर है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, न्यूट्रिशन, राइट? सो पित्त जो है ये सब हमारे बॉडी में कंट्रोल करने में मदद करता है। और जो ये कफ है ये आपकी
क्या कंट्रोल करती है? बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, ये सब कुछ का केयर करती है। जो हमारे बॉडी में ग्लू, यानी कि ग्लू का काम क्या करती है? सेल्स को एक दूसरे के साथ चिपका के रखना। अगर हम गम के बारे में बात करें, है ना, कोई भी गम, तो वो गम का काम क्या है? चिपका के रखना, राइट। ठीक, कफा क्या करती है? सेल्स को सेल्स के साथ चिपका के रखती है, यानी कि वाटर एंड अर्थ है। कफा क्या है? वाटर एंड अर्थ, यानी कि क्या से फॉर्म होती है? वाटर एंड अर्थ, जो हमारे बॉडी में बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, यानी कि गम का काम करती है शरीर में चिपका के रखने का, है ना। जैसे कि जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन देना, मॉइस्चराइज करना हमारे स्किन को, इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखना, राइट। सो कफा जो है वो आपका एक्सप्रेस करता है लव, कामनेस एंड फॉरगिवनेस। ये क्या बैलेंस करती है? अटैचमेंट, ग्रीड एंड एनवे को, यानी कि हमारे शरीर में ये जो सेल्स सेल्स हैं, सेल्स टू सेल्स को अटैच करके रखने में, मसल्स को कोलाजिन के साथ चिपका के रखने में मदद करती है, यानी कि गम का काम करती है। ये तीन दोसास हैं, कफ, है ना, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों दोसास बैलेंस है तो फिर ठीक है। अगर बैलेंस नहीं है, मान लीजिए आपको डाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपके पित्त कंट्रोल्ड नहीं है, है ना। तो देखिए, हमारे शरीर में तीनों चीज ही होती है, ठीक है, वात, पीत, कफा, ये तीनों के तीनों चीज ही हमारे बॉडी में मौजूद है। लेकिन ये तीन में से एक आपका डोमिनेंट हो जाता है, यानी कि एक चीज, एक दोसा हमारे बॉडी में एक्सेस होता है, ठीक है। तो वही दोसा हमारे बॉडी का होता है। और ये हम कब निकालते हैं? जब हम VWS करते हैं, उस समय पे हमने निकाला है हमारे बॉडी के दोसा, राइट। तो देखिए, आज आयुर्वेदा आज से नहीं, सदियों से हम इस्तेमाल करके आ रहे हैं, सदियों से, 5000 ईयर्स पहले से हम इसको इस्तेमाल करके आ रहे हैं। और हमें पता है आयुर्वेदा की पावर क्या है, लेकिन आजकल हम सब इतने ज्यादा क्विक रिलीफ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि नहीं, मुझे हेडेक है तो मुझे वो हेडेक अभी के अभी खत्म करना है, वरना एक घंटे बाद जो मेरी मीटिंग है वो कैसे मैं अटेंड करूंगी, राइट। सो देखिए, हम इतने ज्यादा क्विक रिलीफ के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम सोच ही नहीं सकते आराम से पेशेंटली ठीक होना। सो उसी हिसाब को देखते हुए हमारे आयुष शांति का सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, सबसे पहला जो सप्लीमेंट है, वो है ग्लूको हेल्थ। देखिए, आयुष शांति का ना जैसा नाम वैसा काम, ग्लूको हेल्थ काम करेगा आपके ग्लूकोज, यानी कि डायबिटीज के लिए। सो जिसके शुगर लेवल हाई है, ठीक है, जिसका शुगर लेवल हाई है और जो बॉर्डर लाइन में, यानी कि प्री डायबिटिक है, आप उन्हें ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं। ग्लूको हेल्थ सप्लीमेंट शुगर लेवल को मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगा, हमारे पैनक्रियास को स्ट्रेंथ करके रखने में हेल्प करेगी, इंसुलिन सिक्रेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, इसके साथ साथ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करता है, हमारे बॉडी वेट को हेल्दी रखती है और एपेटाइट को सही रखता है। देखिए, जो डायबिटिक हैं उनको बार बार भूख लगती है, राइट। जैसे हमने कल ही डिस्कस किया था, हमने डायबिटीज वाले सेक्शन पे डिस्कस किया था, एक सिम्टम होता है बार बार भूख लगना, है ना, वो सिम्टम्स को आपका क्या करता है, एपेटाइट को रेगुलेट करती है, ठीक है। और ये एक बार जो डायबिटीज हो जाए ना, तो देखना आप, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हमें जगड़ लेती हैं, जैसे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या फिर आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज हो गई, राइट। सो ये बीमारियों को भी हमारे बॉडी से दूर रखने में मदद करती है। तो आइए आप डिस्कस करते हैं, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ग्लूको हेल्थ में जो हमें इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देने में मदद कर रहा है। इसमें है जो आपके आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट्स, विजयासार, दालचीनी, हल्दी, आंवला, गुडुची और चाय, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं आपके ग्लूको हेल्थ में, जो हमें इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स ये सप्लीमेंट्स देने में मदद कर रहा है। इसकी एज लिमिट है 14 साल से ऊपर,
ठीक है, 14 साल से ऊपर, ओके, और आपको कितना लेना है, दिन में 3 कैप्सूल्स आप इसकी लेंगे, ठीक है, खाली पेट। एज लिमिट 14 साल से ऊपर, ओके, दिन में 3 कैप्सूल्स आप लेंगे खाली पेट। अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो हम डोसेज को बढ़ा के 6 भी कर सकते हैं, 2-2-2 करके खाली पेट आधा घंटा पहले। अब बात करते हैं दूसरे बहुत ही अच्छा आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स और उसका नाम है प्रोकार्ड। देखिए प्रोकार्ड में बहुत ही अच्छे अच्छे आयुर्वेदा इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हो गए आपके अर्जुना, अश्वगंधा, है ना, गार्लिक, गुगुल और शुगर केन, ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके इस पे प्रोकार्ड पे, राइट। क्या हम मैसेज कर सकते हैं? यस। सो मुझे एक बात बताइए, हम में से कितने लोगों ने प्रोकार्ड को यूज किया है? यस, हम सब ने यूज किया। अमित जी कह रहे हैं सिर्फ अमित जी ने प्रोकार्ड को यूज किया है, बाकी सब आप सब ने यूज नहीं किया है प्रोकार्ड अभी तक। संजय तालुकदार ने किया है? नहीं। देखिए यही पे हमारी गलती होती है, यूज नहीं करके आप जब करवाते हो ना, तब आप अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से नहीं आता, ठीक है। कोई भी सप्लीमेंट्स हो, जब नया लॉन्च आता है सबसे पहले आपको लेना है, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सप्लीमेंट्स मुझे इस तरीके की फायदा दे रहा है, तभी आप किसी दूसरे को रिकमेंड करते समय आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। व्हाई? बिकॉज वो सप्लीमेंट्स आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है, ठीक है। चेतन जी हमेशा याद रखिए, सप्लीमेंट्स दूसरों को देने से पहले सप्लीमेंट्स हमें खुद कंज्यूम करना है। जैसे कि मेटामाइंड, अगर आप मेटामाइंड कंज्यूम नहीं कर रहे हो पहले, तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि मेटामाइंड चबाने के बाद टेस्ट कैसा आता है, मेटामाइंड चबाने के बाद पानी पीना है कि दूध पीना है, ये हमें कैसा पता चलेगा ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, राइट। सो कोई भी सप्लीमेंट, जैसे अभी हमारा मैक ड्राइव आया है, सबसे पहले हम मैक ड्राइव को अपने गाड़ी में लेंगे, गाड़ी में अपनी गाड़ी में यूज करेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे, उसके बाद हम मैक ड्राइव को आसानी से दूसरे अपने टीम मेंबर पे रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सप्लीमेंट भी याद रखिएगा, पहले हमें खुद यूज करना है सप्लीमेंट्स, हमें खुद पहले कंज्यूम करनी है, हेल्थ बेनिफिट्स देखना है, एंड देन हम आराम से अपने टीम मेंबर्स तक पहुंचा सकेंगे। वरना अगर हमने सप्लीमेंट्स लिए ही नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्रोकार्ड के कैप्सूल के अंदर ग्रीन कलर का पाउडर है या आपकी येल्लो कलर का, राइट। जब आप लेंगे ही नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कैप्सूल कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, है ना। तो कोई भी चीज सबसे पहले खुद को लेनी है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ये तो हमारे लिए कार्डियो टॉनिक का काम करती है। सेकंड, हमारा लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करता है, जैसे कि एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, राइट, ये सारे लिपिड प्रोफाइल है, उसको मैनेज करके रखने में मदद करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करती है। हमारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में कम करने में मदद करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सो अगर आप कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें भी हम प्रोकार्ड की सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है प्रोकार। हाई प्रेशर, लो प्रेशर दोनों में ही हम यूज कर सकते हैं प्रोकार्ड, ठीक है। जो ये प्रोकार्ड है, हमारे हार्ट को हेल्दी रख रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रही है, एलडीएल गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, और एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में मदद कर रहा है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, है ना, ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद कर रही है।
सो प्रोकार्ड की डोसेजेस, दिन में हम लेंगे प्रोकार्ड 2 से 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद. प्लीज डोसेजेस को अच्छे से सुन के लिख लीजिएगा, बाद में फिर कोई क्वेरीज नहीं आनी चाहिए कि मैम प्रोकार्ड की डोसेजेस क्या है, फिर से बताइए. ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग डोसेजेस ट्वाइस और थ्राइस, सो नोट डाउन कर लीजिए. प्रोकार्ड की डोसेजेस 2 से 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद. एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव. ठीक है, एज लिमिट कितना है? 12 इयर्स एंड अबव है. कैसे लेनी है खाना खाने के बाद, कितना लेना है? 2 से 4 कैप्सूल्स पूरे दिन में. अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हो तो 2 कैप्सूल्स एनफ है. ठीक है, प्रिवेंशन के लिए. अगर आप किसी अगर आपको सीवियर कफ की प्रॉब्लम है, साइनस है, सॉरी सर नॉट सीवियर कफ, वो रेस्पिरेटरी का होता है. अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, राइट, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या आप किसी को ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम में दे रहे हो, राइट, सो ये सारे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? 4 कैप्सूल्स दिन का कर सकते हैं, 4 कैप्सूल सप्लीमेंट दे सकते हैं. आपकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी देखते हुए सप्लीमेंट्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं. सो 2 से 4. सो बात करते हैं टॉक्सक्लीन. अगर आप टॉक्सक्लीन नाम अच्छे से पढ़ो तो ये इसका नाम क्या है? क्लीन. क्लीन यानी कि सफाई करना. आप क्या की सफाई करेगा? ये टॉक्स, किसका शॉर्ट फॉर्म है? टॉक्सिन. टॉक्सिन यानी कि गंदगी, राइट. सो टॉक्सक्लीन का सप्लीमेंट क्या कर रहा है? हमारे बॉडी से गंदगी को यानी कि टॉक्सिन्स को निकाल के फेंकने में मदद कर रही है. अगर हम टॉक्सक्लीन की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है इसमें त्रिफला है, नीम, हल्दी, चिरेटा, सवरापंती और मिर्चा. ये 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी में से कोलन को साफ करने में मदद कर रही हैं, खून को प्यूरिफाई करने में मदद कर रही है. इसमें है त्रिफला, ठीक है, और त्रिफला होने के कारण इसमें हल्दी है, नीम है, राइट, सवरपंती जो नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाने में मदद करती है. सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हल्दी है, ठीक है. तो ये टॉक्सक्लीन जो है हमारे लीवर फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, यानी कि लीवर को हेल्दी रखने में सपोर्ट करती है. अब देखिए, अगर हमारा कॉलन साफ है, टॉक्सिन्स को निकाल रही है, तो हमारे डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म को भी वो क्या कर रहा है? रेगुलेट करने में मदद कर रही है. एंटीमाइक्रोबियल, बिकॉज इसमें नीम है, सो ये एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है जो हमारे स्किन हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है. जैसे कि अगर आपके पास कोई पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो हम हेयर स्किन एंड नेल्स देते हैं, राइट, हेयर स्किन संबंधित सप्लीमेंट्स देते हैं, उसके साथ आप टॉक्सक्लीन भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हल्दी है, इसमें आपका ये भी है, हल्दी भी है, त्रिफला भी है, नीम भी है, जो हमारे स्किन हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है. लीवर के लिए देखिए, लीवर फंक्शंस में भी आप टॉक्सक्लीन को ऐड कर सकते हैं. सो टॉक्सक्लीन की डोसेजेस दिन में 2 कैप्सूल्स आपको लेनी है खाना खाने के बाद. दिन में कितना कैप्सूल्स आपको लेना है? 2. कैसे लेना है? खाना खाने के बाद, ठीक है. इसकी एज लिमिट क्या है? 14 साल से ऊपर, ठीक है. डोसेजेस याद रखिएगा, कितना लेना है? 2. कब लेना है? खाना खाने के बाद, ठीक है. एज लिमिट क्या है? 14 साल से ऊपर. वाइटल कॉम्प्लेक्स, वाइटल कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या किसी को अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, या आपको डायबिटीज है, राइट. क्योंकि देखिए, जब हम स्ट्रेस लेते हैं या शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो वाइटल कॉम्प्लेक्स में 8 डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, राइट, और हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करेगा. सो जो वाइटल कॉम्प्लेक्स है, इसको लेने के लिए हमें किसी प्रकार की बीमारी होना चाहिए जरूरी नहीं है. कोई हेल्दी पर्सन भी इसको ले सकते हैं, ठीक है. जो लोग हेल्दी है, आप देखना, वो स्ट्रेस तो करते ही है, चिंता तो लेते ही है,
समय पे खाना भी नहीं खाते हैं, ऑयली फूड्स भी खा रहे होते हैं, बाहर का खाना भी खा रहे होते हैं, तो क्या होता है, ये सब के कारण भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होती है, और ये फ्री रेडिकल क्या करता है, हमारे सेल्स को अटैक। तो उस फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस होने से रोकने में कौन मदद करेगा, हमारा एंटीऑक्सीडेंट। सो 8 डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट वाइटल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स, फ्लेविनॉइड्स एंड कैटेचिन्स, कैरोटीनॉइड्स और विटामिन ए, ल्यूटीन और जियाजेंथिन, राइट। आपने देखा 8 डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख रही हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद कर रही है, हमारे बॉडी टिश्यूज को नरिश करके रखने में मदद कर रही है, सेल रिजनरेशन प्रोसेस में मदद कर रहे हैं, इम्यूनिटी को अच्छा करने में मदद कर रही है, थकावट, राइट। आप देखो, आप हम कहीं से भी घूम के आए, हमें फटाफट से थकावट लग जाती है, राइट। सो उसको टैकल करने के लिए भी आप वाइटल कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करने में मदद करता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी कि आपकी डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गई, राइट। तो क्या होता है उस समय में, क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है बॉडी में, और वाइटल कॉम्प्लेक्स इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की डैमेज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने में मदद करता है। वाइटल कॉम्प्लेक्स की डोसेजेस आप लिख लीजिए, आधा घंटा पहले आपको लेना है, खाना खाने के आधा घंटा पहले दिन में 2 कैप्सूल्स, खाना खाने के आधा घंटा पहले दिन में 2 कैप्सूल्स आप लोगे, एज लिमिट 14 साल से ऊपर। रेस्पोकेयर, देखिए रेस्पोकेयर लेने के लिए ना हमें किसी प्रकार की सांस संबंधित बीमारी होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप अपने आप हेल्दी हो, लेकिन देखिए हम सांस जो ले रहे हैं, हवा जो है हमारे इर्द गिर्द, ये कॉन्टामिनेटेड है, ये हवा शुद्ध हवा नहीं है। तो जो हम ले रहे हैं, आप इमेजिन करो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कोई शुद्ध चीज जा रहा है, नहीं, गंदगी तो कॉन्टामिनेटेड हवा ही ले रहे हैं हम, है ना। तो जैसे कि हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करने लेके जाते हैं हर 6 महीने, 3 महीने, 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर के समय पे, राइट। तो इमेजिन कीजिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सालों सालों तक सांस अंदर बाहर कर रही है, तो कितना सर्विसिंग की जरूरत किसको है, है ना। जब भी आप 3-3 महीने 6-6 महीने सर्विसिंग कराते हो अपनी गाड़ी की, तो याद रखना उसी समय आपको अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी सर्विसिंग करवा लेना चाहिए, एटलीस्ट मंथ में 3 महीने तक कंटिन्यूअसली आपको रेस्पोकेयर लेना है। तो रेस्पोकेयर का अगर हम इन्फेक्शन की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इन्फेक्शन से आपकी कॉमन कोल्ड, टॉन्सिल, साइनस, लैरिंजाइटिस, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, है ना, ये सब है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शंस। सबसे कॉमन आपके साइनस हो गई, टॉन्सिल हो गया, टीबी हो गया, फ्लू, कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी खांसी, न्यूमोनिया, राइट। ये सब कुछ सांस संबंधित प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगा ही, जब हम जन्म से लेके अभी तक कंटामिनेटेड सांस ले रहे हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी तो सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। 3 से 6 महीना कंटिन्यूअसली आप रेस्पोकेयर को प्लीज लेना शुरू कर दीजिए, स्पेशली अभी, ठीक है, स्पेशली ये समय पे, ओके। सो इसमें है दशमोल कौथ, कंकरी, गिलोय, वशाखा, तुलसी, पीपली, सौंठ और काली मिर्च। सो ये क्या करता है, ये आप अस्थमा, कफ, वीक लंग्स को दे सकते हैं, इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स है, और हमारे गले में ट्रैफिक जाम को खोलने के लिए मदद करता है, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर। इन्फेक्शन होने के कारण हमारे घाटी में क्या होता है, यानी कि नेक में क्या होता है, ट्रैफिक जैम जैसा लग जाता है, और उस ट्रैफिक जाम को कौन खोलने में मदद करेगा, रेस्पोकेयर। और आपको पता है एक बार हमारे गले में इंफेक्शन हो गया ना, तो ये इंफेक्शन बार बार आती रहती है, राइट। अगर किसी को गले में इंफेक्शन बार बार आते रहता है, तो उनको भी आप रेस्पोकेयर गिफ्ट कर सकते हैं। हमारे ग्रुप्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बार बार थू फेंकते रहते हैं, राइट।
सो उनको भी आप रेस्पोकेयर गिफ्ट कर सकते हो. क्यों? बिकॉज रेस्पोकेयर जो है वो बलगम को, वो म्यूकस को तोड़ने में मदद करता है. जब म्यूकस एक बार टूट गया तो डायरेक्टली सब कुछ आपके मुंह से बाहर हो जाएगा एंड हमें रिलैक्स फील होगी. अगर हम बात करें रेस्पोकेयर की डोसेजेस, तो ये हम लेंगे दिन में 3 बार खाना खाने के बाद. दिन में 3 बार खाना खाने के बाद. एज लिमिट 14 साल से ऊपर. एज लिमिट क्या है इसकी? 14 साल से ऊपर. कैसे लेंगे? कितना लेंगे? 3 कैप्सूल्स. कैसे लेंगे? खाना खाने के बाद, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करने के बाद. लीवर हेल्थ, सेम लीवर हेल्थ भी लेने के लिए हमें कोई लीवर प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है, जॉन्डिस होने का जरूरत नहीं है, लीवर फिब्रोसिस होने की जरूरत नहीं है. हम अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए 3 से 4 से 6 महीने तक कॉन्टिन्यूसली लीवर हेल्थ लेना जरूरी है, ताकि हम अपने लीवर की भी सर्विसिंग करा सके. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे लीवर जो है कलर चेंज होते जाता है. राइट, फैटी लीवर है ना, लीवर हेल्दी लीवर, फैटी लीवर, फिर है आपकी लीवर फिब्रोसिस, फिर है आपका सिरोसिस. एंड सबसे शॉकिंग क्या है, 90% केसेस में हमें पता ही नहीं होता है कि हमें लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है. राइट, सो देखिए, लीवर की सर्विसिंग आपको 3 महीने लगातार तो कराना ही पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हो कि आप हेल्दी हो, तो आप हेल्दी हैं, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी पार्टी में हम सब ने भी तो 2 पैक मारे ही होंगे. राइट, तो हम किस तरीके से हेल्दी, अपने लीवर तक तो हम गंदगी पहुंचा ही रहे हैं, है ना. सो इसीलिए आपको क्या करना है, कम से कम 3 से 6 महीने हमारे लीवर की भी सर्विसिंग करवाना एकदम ही ज्यादा जरूरी है. लीवर हेल्थ में 5 बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स है, वो है चिरैता, कुटुका, पीपली, अंगूर और भतकटिया. ये 5 इंग्रेडिएंट्स हमें किस तरीके से मदद करती है, हमारे डैमेज्ड लीवर सेल्स, जो लीवर के सेल ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनको रिजुविनेट करने में मदद करता है. हेपेटाइटिस के समय जो हमारे लीवर में सूजन पड़ती है उसको कम करने में मदद करता है. ठीक है, देखिए फिब्रोसिस तक तो हमें मदद करेगी लीवर हेल्थ, लेकिन सिरोसिस और एक्विट डैमेज में किसी तरीके का प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करता. क्रॉनिक लीवर डिजीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है एंड सेल्स को हमेशा रिजुविनेट करके रखता है, यानी कि फ्रेश एंड रिलीव करके रखता है. सो लीवर हेल्थ की डोसेजेस कितनी है? दिन में हम लेंगे लीवर हेल्थ 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद. ठीक है, कितना लेंगे, कितना कैप्सूल्स लेंगे? 3. कब लेंगे? खाना खाने के बाद. राइट, और एज लिमिट क्या है? 14 साल से ऊपर. अब हमारा सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट्स जिसका नाम है किडनी हेल्थ. किडनी हेल्थ भी सेम, इसको लेने के लिए हमें किसी तरीके की किडनी स्टोन होने की जरूरत नहीं है या किडनी में किसी तरीके की प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है. ये हमारे किडनी को हेल्दी रखने में मदद करती है. इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसमें आंवला, वरुण, गोक्षुर, पशन भेड़ा, गिलोय, भूमि आंवला और श्वेत पर्पति. ये क्या करता है? ये स्टोन ब्रेकर का काम करती है हमारे बॉडी में. जो एंजाइम स्टोन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसी एंजाइम को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि कमजोर कर देती है. डायूरिटिक का काम करता है ना. ये कंटेन्स मेन ड्रग फॉर द स्टोन ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर. हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है और स्टोन के हर एक स्टेज में जाके पत्थर को तोड़ता है. सो अगर हम बात करें किडनी हेल्थ की डोसेजेस, किडनी हेल्थ हम लेंगे दिन में 3 बार, ठीक है, खाना खाने के बाद. एज लिमिट 14 साल से ऊपर. राइट, सो ये आज हमने किया आयुष शांति के ऊपर, है ना, आयुष शांति इन सप्लीमेंट्स के ऊपर. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हैं एंड आई एम शेयरिंग यू माई ईमेल आईडी, आप काइंडली चेक कर सकते हैं.
थैंक यू सुमन मैडम, थैंक यू सो मच। आपका इतना अच्छा से एक एक पौधा के ऊपर आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया है, इसलिए थैंक यू। आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, मेरे के साथ साथ सबको मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सब कुछ अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारीज है और सुमन मैडम को पूछ सकता है? यस मैम, यस मैम। हाँ मैम, अच्छा से आप लोग को जितना भी क्वेश्चन होगा मैम आंसर देने के लिए कोशिश करेगा। आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, प्लीज। राइट, आप हम अनम्यूट नहीं कर सकते हैं बिकॉज अगर हमने अनम्यूट किया तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? यस मैम। क्या करेंगे, आपके कोई भी क्वेरीज है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। Yes. साथ में कुछ क्वेश्चन आया है मैम। यस, किडनी स्टोन के लिए आप ले सकते हैं, किडनी हेल्थ आप ले सकते हो, किडनी हेल्थ की सप्लीमेंट। शुगर के लिए ग्लूको हेल्थ आप लीजिए। मनोज जी, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड किडनी हेल्थ दिन में कितने बार, राइट? किडनी हेल्थ दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। शुगर के लिए आप टॉक्स क्लीन ले सकते हो, ग्लूको हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हैं, वाइटल कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। ओके, इफ यू आर फेसिंग गैस प्रॉब्लम यू कैन ऐड कुम्बायोटिक्स ओवर देयर, आप कुम्बायोटिक्स यूज कर सकते हैं। संतोष जी, नितेश जी, स्नीजिंग प्रॉब्लम, रेस्पो केयर आप रेस्पो केयर लीजिए अलोंग विथ सप्लीमेंट्स कोलोस्ट्रॉम एंड नोनी। विष्णु छेत्री जी, काइंडली आप मुझे अपनी क्वेरीज को मेल कर दीजिए। यस 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 सुशील कुमार जी, आई एम शेयरिंग यू माय मेल आईडी, काइंडली आप मुझे मेल कीजिए। दिस इज माय मेल आईडी। संतोष अधिकारी सर, आपने सप्लीमेंट्स के साथ साथ क्या आपने अपने डाइट पे ध्यान दिया, वेदर आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, क्या आपने उस पे ध्यान दिया, वेदर यू आर टेकिंग एनफ वाटर और नॉट, क्या आपने उस पे ध्यान दिया, राइट? सो हम ये सारे चीजों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सप्लीमेंट्स लिया और सप्लीमेंट कोई जादुई चीज है और आप लेंगे और ऐसे ही बैठेंगे और आपको ठीक हो जाएगा, राइट? उसके जब आप सप्लीमेंट्स लेते हो, आप क्या खाना खा रहे हो, वेदर स्मोकिंग अल्कोहल है कि नहीं, आप जॉगिंग के साथ साथ क्या जॉगिंग कर रहे हो, कितने घंटे कर रहे हो, सुबह शाम कर रहे हो या सिर्फ 30 मिनट्स के लिए कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं या आप मसालेदार खाना खा रहे हो या कम मसालेदार खाना खा रहे हो, राइट? सो ये सब कुछ मैटर करता है ना, ये सब कुछ। अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने के बीच आपकी कितने घंटे की मील गैपिंग है, आपने सुबह 8 बजे खाना खाया, 9 बजे खाना खाया और डायरेक्टली आप शाम के 5 बजे कुछ खा रहे हो या डायरेक्टली आप लंच कर रहे हो 2 बजे 3 बजे, देन यहाँ पे 4-5 घंटे की गैपिंग आ गई है, राइट? सो ये भी आपके बॉडी में गैस प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? सो जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे, आपको डाइट से लेके एक्सरसाइज से लेके खाना पीना से लेके सब कुछ ध्यान में रखना है, ओके? मैं भी रेस्पो केयर ले रही हूँ जब से मैं वेस्टी ज्वाइन किया है, राइट? मैंने अभी तक कुछ, अगर मुझे लगा कि गैस फॉर्म हो रहा है तो आई टेक माय अम्ला, आई टेक कुम्बायोटिक्स, राइट? सिर्फ ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स के वजह से ही आपको हो रही, अगर आप कोई भी मेडिकेशन यूज कर रहे हो हमेशा याद रखिए डॉक्टर हमें एक गैस का मेडिसिन जरूर देती है, तो कभी भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, एक आप एसिडिटी कंट्रोल वाली सप्लीमेंट्स है ना जिसमें प्री एंड प्रोबायोटिक हो वो जरूर लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि कुम्बायोटिक्स हो गया, टॉक्स क्लीन उसमें त्रिफला है वो लीजिए, आंवला एलोवेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में मदद करती है। ओके मनोज जी, इस ओके दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो क्वेरीज है काइंडली मुझे मेल कीजिए, ठीक है? फॉर योर स्टोन किडनी हेल्थ, किडनी हेल्थ, किडनी हेल्थ लीजिए आप, किडनी हेल्थ के साथ फूड पैच, उसके साथ आप आंवला ऐड कीजिए, ठीक है संतोष जी? किडनी हेल्थ फूड पैच एंड आंवला। मनोज जी आप क्या करो, आप लीवर हेल्थ लीजिए, करक्यूमिन लीजिए, आंवला लीजिए, टॉक्स क्लीन लीजिए एंड क्रिल। लो बीपी में क्या सप्लीमेंट्स दें, लो बीपी में आपको देना है
ये प्रोकार्ड एंड प्रोकार्ड के डोसेजेस हमने अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं. इसलिए मैं बार बार डोसेजेस रिपीट कर रही थी और कैसे लेना है कब लेना है मैं बार बार रिपीट कर रही थी. एनी अदर क्वेरीज? तो आप लोग का किसी का और क्वेश्चन है तो पूछ सकता है ना क्या सुमन मैम? यस 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 आप पूछ सकते हैं मुझे. जितना क्वेश्चन आप लोग का मन में है तो जितना क्वेश्चन करा सुमन मैडम ने इतना अच्छे से आंसर दिया. आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है. और उसके अलावा मैम का ईमेल आईडी भी दे दिया. कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको मतलब अभी नहीं बताया है, मैम को पर्सनली भी मेल कर सकता है. यस मैम. यस यस एंड यस मैम. यस देखिए घुटने का दर्द आप हमेशा एवरी फ्राइडे निर्वाणा ग्रुप की ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए. एंड हम कैटेगरी वाइज बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है निर्वाणा ग्रुप ने कि कैटेगरी वाइज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अटेंड कर सकते हैं. मैं सारे सबके ईमेल एड्रेस ऑब्वियसली मैं मेल का जवाब हमेशा देती हूँ. राइट आप मुझे मेल कीजिए. ऑलरेडी आई हैव मेल माई ई मेल आई डी. मैं फिर से अपनी ई मेल आई डी को मेल कर रही मैसेज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं. ओके सो ये मेरी ई मेल आई डी रही सुमन डॉट छेत्री एट द रेट माई वेस्टीज डॉट कॉम. राइट आप हमेशा निर्वाणा ग्रुप की ट्रेनिंग एवरी फ्राइडे 4 o'clock को अटेंड कीजिएगा. हम कैटेगरी वाइज ट्रेनिंग को कर रहे हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच मैम. एंड क्वेरीज आप काइंडली मुझे मेल कीजिए. थैंक यू सो मच सुमन मैडम. आपने अपना इतना गिनती समय हम लोग को दिया है तो मैं सबको यही बोलूंगा. मैम भी बोला है हर शुक्रवार को 4 PM को निर्वाणा ग्रुप से ग्रुप में आपको एक एक प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज मिलेगा. और सुमन मैडम हमेशा रहेगा 4 PM में. तो आप लोग आइए तो निर्वाणा का तरफ से जो हम लोग के लिए इतना सुविधा दी है हम लोग फायदा उठाना चाहिए सब लोग को. मतलब हर शुक्रवार में एक एक प्रोडक्ट के ऊपर सुमन मैडम ने ट्रेनिंग करा है. हम लोग मतलब क्या है ना प्रोग्राम अटेंड करना है तब सीख पाऊंगा. तो उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है कोई जानना चाहते हैं मैम ने मेल आईडी दे दिया मैम को मेल करेगा जरूर आप लोग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा. तो थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच सुमन मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू एवरीवन. कोई भी क्वेरीज है प्लीज मुझे मेल कीजिए एंड देन एवरी फ्राइडे 4 o'clock आप जरूर ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा. यस मैम. यस.